हे गाइस, वेलकम बैक टू वी आर फैमिली वर्क। सुबह सुबह नींद नहीं खुल रही है। अरे ये चालू हो गया सुबह सुबह। रिमोट यहाँ रख रहा हूँ मैं, अच्छा यहाँ गया हूँ मैं। आपको एक चीज बताएं, रिया दीदी भी देखो बहरा रही है नींद में। तो गए हमारे रूम में, यहाँ से इतना सारा उजाला आ गया सुबह सुबह। यहाँ पे बैठ के पानी पी रहे थे। अच्छा, उसके कारण नींद खुल गई हम सबकी। और अभी सुबह के 9 बज रहे। अरे नहीं बेटा, क्या कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना। सो गाइस, गोवा का आज हमारा पहला दिन है और अभी बस उठ करके रेडी होके फटाफट निकलना है। बहुत सारा घूमना है, देखना है। आज मैं आपको पूरा हमारा रिसॉर्ट का टूर कराऊंगी कि कैसा है हमारा रिसॉर्ट। बहुत ब्यूटीफुल है, आंखें नहीं खुल रही हैं अभी। तो चीनू और यू पकला रहे हैं बैठ कर, मजा आ रहा है यू को। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। केविन तो घूम रहा है वहीं पे कहीं पे जाकर, उसको पता है। यू भी तो जब से यहाँ आया है ना और उसको इतना सब कुछ दिखा है ना, तो बस उसको तो पैर ही नहीं टिक रहे हैं, भागे जा रहा, भागे जा रहा। पूरे रिसोर्ट में इतनी जगह, आप रिसोर्ट में घूमते रहो तो कम पड़ जाए 4-5 दिन। दिखाती हूँ एक झलक, बाकी पूरा प्रॉपर तरीके से मैं बाद में दिखाऊंगी। अभी भी मैं नींद में हूँ, सोचो आप, क्योंकि हम लोग सोए थे कल रात को 3 बजे। तो बहुत लेट आए थे और 3 बजे सोए, और सुबह उजाला आ गया तो सुबह 8 बजे से ही उठ गए, 9 बजे बिस्तर छोड़ा हम लोगों ने। पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग गोवा में जल्दी उठा करेंगे, क्योंकि यहाँ उजाला उठने का है भी, बस यहीं से बीच है। तो किस साइड चलना है, तो देख सकते हो आप लोग, एक झलक में दिखा देती हूँ आपको। बहुत बड़ा रिसोर्ट है, आप चलते ही रहो, चलते ही रहो, चलते ही रहो, खत्म ही नहीं होगा। वापस रिसोर्ट पे आए हैं, रिसोर्ट बोल रहे हो, रूम में आए हैं। यूवी के नखरे खत्म नहीं हो रहे, यूवी ने कपड़े गीले कर लिए थे तो वापस से उसके कपड़े चेंज कराने के लिए उतारे, तो देखो यहाँ पर घुस करके सो गया। ये देखो, ये घुस के सोया हुआ है नंगूड़ा। उठ जा। तो अभी हम फिर से ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, जा नहीं पाए थे, आधी दूर से वापस आ गए थे क्योंकि यूवी के कपड़े चेंज कराने पड़े, तो अभी चेंज हो गए। तो आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए अभी। हाँ, लेकर के आना है ना बुफे यहाँ पर। तो अभी देखते हैं क्या क्या है बुफे में। सो गाइस, ये पूल है यहाँ का। अभी ये एक पूल मैंने आपको दिखाया है, मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सारा दिखाऊंगी। बहुत सारे पूल हैं इस रिसोर्ट में। यहाँ पर आ गया है ब्रेकफास्ट। ये क्या है, ये छोले भटूरे। तो यहाँ पर सारे आइटम्स हैं बुफे में, बहुत सारे। ऐसा लग रहा है कि ये लंच डिनर सभी कुछ है यहाँ पर, ये नाश्ता है ओनली गाइस। अभी आ गया है यहाँ पे फ्रूट सैलेड, चीनू का फेवरेट। चीनू पूरे दिन यहाँ पर यही खाने वाले हैं, फ्रूट सैलेड पर डे खाने के बाद। नहीं, मैं नहीं खा रही। अरे खाओ। नो, ये डिजर्ट है। तो चीनू आज तो भयंकर सब कुछ फेल रहे हैं। तो यहाँ आकर के युवो को स्विमिंग पूल दिख गया है, तो युवो अपना पूरा यहाँ पर स्विमिंग पूल में लगा पड़ा हुआ है खेलने के लिए। स्विमिंग आज ही सीख जाओगे युवन पूरी? आज नहीं, आज ही आप पूरी स्विमिंग सीख जाओगे। ये देखो, ये देखो चुलबुल, चुलबुल है ये, चुलबुल पांडे। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर रेस्ट। सनग्लास लाना रूम से भूल गई मैं, तो ऊपर देखे नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा आंखों में रोशनी चुभ रही है सनलाइट की। और यू यहाँ कर रहा है मस्ती, ये देखो ये। और चीनू गए हैं अभी थोड़ा सा होटल के रिसेप्शन साइड, क्योंकि वाईफाई बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, ना ही इंटरनेट काम कर रहा है हमारे फोन का, तो व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो वो गए हैं अभी रिसेप्शन पे, वहाँ पे थोड़ी स्पीड ज़्यादा अच्छी मिलती है वाईफाई की, तो वहाँ पर जाकर के वो व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। तो गाइज, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारा विला जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूवी के कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ पर बैठने की सीटिंग्स हैं,
और यहाँ से अंदर आते हैं तो ये गेट खोलने के लिए मैंने एक रख रखा है, गेट खोलने के लिए एक रख रखा परमानेंट। आइए आइए। तो यहाँ पर बैठने की सीटिंग है, यहाँ बेड है, और इस तरफ हमने रिया का बेड लिया हुआ है, यहाँ पर रिया सो रही है। यहाँ पे कॉफी मेकर वगैरह रखे हुए कॉफीज हैं। तो ये कर्टन खुल जाता है, खोल के दिखाओ ना थोड़ा सा। तो विला तो काफी एक्सपेंसिव भी है, और ये देख सकते हैं ये वॉशरूम है, ये कबर्ड है, यहाँ पर कपड़े अच्छे से रख सकते हैं। रिया का यहाँ पर लेटना इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे को लग रहा है मैं ही सो जाऊँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू बाहर का दिखता है, इतना प्यारा व्यू दिखता है। हाँ, तो पूरा व्यू दिखता है यहाँ से। और इवन के लिए यहाँ पे जो है वो है टीवी, टीवी हाँ। में उसको दिन कुछ भी लगा तो देखता रहता है, पर वो यहाँ पर तो एंगेज इतना है, गार्डन हाँ। में घूम रहा है, बाहर पूल में घूम रहा है, पूल में तो छोड़ता ही नहीं, मानता ही नहीं पूल में हाँ। तो ये रिसोर्ट इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ही बड़ा है। बस हम आज बीच पे जाएंगे, आज हम लोग चलो। तो बाबा इज रेडी टू गो, कहाँ जा रहे हैं यूविन? अपन यूविन कहाँ जा रहे हैं? रिया भी रेडी हो गई, शैम्पू लेके आ गई। बाबा कहाँ चल रहे हैं? वो देखो यूवी, नहीं गंदी बात, यूवी को तो बता बता के थक गए कि यूवी क्या नहीं। हाँ कैब, कैब बुक करेंगे। अरे कैब नहीं, गाड़ी लेना है। लगा दे वो अपने आप हो जाएगा, उसके की ले ले अंदर से। गाड़ी लेने जा रहे हैं, कार लेने जा रहे हैं। हाँ फिर घूमेंगे, गेड़िया मारेंगे, गेड़िया शेड़िया करके गाना गाया तो अभी हम आए हैं पूल साइड पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यू भागे जा रहा है, पूरे टाइम भागे जा रहा है वो, देखो उधर भागा, दिखाते हैं। तो ये चीनू गए यूवी को पकड़ने के लिए। हेलो यूवी, कहाँ हो आप? हैं क्या चाहिए? स्विमिंग में जाना है, अभी नहीं, अभी दिन में नहाया था ना। सी में चलते हैं, उसके बाद आकर के पूल में वापस नहाई नहीं करेंगे, ठीक है? ओके चलो। सो गाइस हमारा रिसोर्ट बहुत ही बड़ा है, आपको एक झलक यहाँ की भी दिखा देती हूँ। सो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत शानदार है ये यहाँ का रिसेप्शन है। बहुत बड़ा रिसेप्शन एरिया है यहाँ का। सो अभी हम जा रहे हैं बाहर होटल से, तो जब अंदर एंट्री लेंगे शायद नाइट हो चुकी होगी, तो इतना अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो आ गई है हमारी कैब। और आगे बैठने का नहीं, फिर आपको अजीब लगता है? नहीं नहीं ठीक है, थोड़ी सी दूरी तो है। तो कैब में बैठ के निकल रहे हैं हम, निकाल लेने के लिए वहां से हम इससे जाएंगे घूमेंगे सब लोग। यू वेन ये साइड करो, अभी हमने लिया है एक्टिवा, क्योंकि हमें एक्टिवा से जाकर के ढूंढना पड़ेगा कि कार कहाँ पर मिलेगी रेंट पर, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हमने अभी फिलहाल के लिए लिया है एक्टिवा। तो हम लेकर के आ गए हैं एक्टिवा अपने रिसोर्ट पे। तो रिसोर्ट का पूरा व्यू मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अब यहाँ से स्टार्ट होगा रिसोर्ट का पूरा व्यू। सो ये है एंट्री, यहाँ से आप देख सकते हो पूरा ये पार्किंग एरिया है यहाँ तक। अब यहाँ से अंदर जाते हैं, तो अब हम बीच पे जाएंगे। पहले हम वापस से रिसोर्ट आ गए, रिसोर्ट के अंदर से ही बीच का रास्ता है, अब हम बीच पे आएंगे। टू व्हीलर लेना सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट था कि रात को कहीं घूमेंगे थोड़ा बहुत, और कोई फोर व्हीलर सर्च करेंगे। तो अंदर से एंट्री है, मैंने देख लिए। देख लिए, चलो फिर चलो, बीच जाना है, यहाँ से एंट्री।
अब बीच पे जाना है। ये रिसेप्शन एरिया से अब हम जा रहे हैं, पहले पूल आता है, लंबा चौड़ा पूल, बहुत ही लंबा, इतने सारे ट्रीज, ये वो, इतना शानदार लगता है यहाँ पे व्यू, ये सारे, इतना बड़ा पूल, और यहाँ ऊपर एक बार है, लाउंज है, और यहाँ से हमको स्ट्रेट जाना है बीच के लिए। वो चढ़ गया है पापा के सिर पर, बैठ गया है शोल्डर पे और देख रहा है पूरा व्यू। सो गाइज, ये सारा रिसोर्ट का ही हिस्सा है। सो बहुत बड़ा रिसोर्ट है गाइज, बहुत बड़ा। घूमते रहो, आपको पूरा ऐसा लगेगा कि घूमते रहें, ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। सो गाइज, यहाँ का टैरिफ है 25,000 पर नाइट। सो बहुत ही अच्छा है यहाँ का सारा, बहुत ब्यूटीफुल है गाइज यहाँ का। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से पूरा समुद्र दिख रहा है पीछे, ये देख सकते हो ना, बहुत दूर दूर तक है सब फैला हुआ, बहुत दूर दूर तक, यहाँ तक कोकोनट ट्रीज लगे हुए। तो बहुत बड़ा रिसोर्ट है यार चिनू, यही तो वो बनते होंगे पूरा कोकोनट ऑयल आपको लगाना हो। तो बस हम 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं बीच पे, पैदल चलना, चल चल के वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए थोड़ा पॉज कर करके बना रही हूँ मैं। तो गाइस पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, हम बीच साइड पर हैं, यहाँ से बीच स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ की सैंड बिल्कुल वाइट वाइट है, इतनी प्यारी दिख रही है, मतलब आगे क्लियर होगा पानी क्योंकि अगर सैंड इतनी अच्छी है। तो मुझे उतारने पड़ेंगे हील्स। तो गाइस हम पहुंच गए हैं, वो है कि सैंड बिल्कुल वाइट है, वाइट और है। शैक्स भी इतने प्यारे हैं, अभी हाँ। मैंने किसी को जाते हुए भी देखा, वो भी बोल रहे थे कि हमने नॉर्थ में पैसा वेस्ट किया, और बिल्कुल सच बोलते हाँ। लोग कि नॉर्थ में पैसा वेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब अगर आपको अच्छा क्वालिटी और शांति वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आओ, बहुत ही यहाँ शांति एकदम है। शैक्स कितने प्यारे लग रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसे कबाड़ खाने जैसे शैक्स रहते हैं सच में। तो आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं जाऊंगी, तो मुझे इतनी जल्दी मन नहीं करता, तो मैं जा रहा हूँ, नहा धो के आता हूँ। यस यस गो, यूवी चलना है क्या? यूवी और रिया यहाँ पर बढ़िया खेल रहे हैं रेत में, यूवी का तो पूरा टाइम यही होगा, पूरा भीग गए हैं और युवू को टॉयज लेकर के अब चल दिए हम लोग रिसोर्ट की तरफ, जो कि अंदर से ही रास्ता है, फटाफट पहुंच जाएंगे। और युवू का अभी भी मस्ती खत्म नहीं हो रहा है, युवू चलो बेटा, युवी हम जा रहे हैं ठीक है, हाँ चलो चलो, बाय युवेन, टेक केयर, कल मॉर्निंग में मिलेंगे, यहीं पर खुदाई करके रखना, बाय युवेन। उसको कोई डर लगता है क्या? देखो बैठा हुआ है, अभी भी हिलने का नाम नहीं ले रहा है। आजा बिट्टू, देखो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, आ जा बिट्टू देख पीछे। सो गाइस हम लोग आ गए हैं हमारे रिसोर्ट के विला में, तो अब बहुत लेट हो चुका है और सबको आ रही है नींद, पर हम फिर भी घूमने जाएंगे, कोई नींद नहीं आ रही क्योंकि सब थके हुए हैं इतने। नहीं, कोई थके हुए नहीं, फिर भी घूमने जाएंगे। कहाँ घूमने जाएंगे? यही रिसोर्ट में। सो हम रिसोर्ट में वॉक करने जाएंगे, अभी थोड़ी देर खाना खाया है जस्ट, और अब निकलने वाले हैं हम लोग, थोड़ा वॉक करेंगे और फिर आकर के सोएंगे थक करके। सो गाइज आज का ब्लॉग यहीं तक, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, बाय बाय, चीयर्स गाइज, चीयर्स। गोवा में आए, पानी से चीयर्स नहीं किया तो क्या किया।